कुर्चो भाई लोग, तो कैसे हो तुम लोग। तो यार आज हम प्लान रखे एपिसोड 20 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, पर इससे पहले अगर तुम लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं वो पहले देख लो। प्लान के प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, और जिन्होंने देख लिया है एंजॉय। एपिसोड के शुरुआत में ही हम देखते हैं कि हीना बहुत ही हैरान है कि क्लिच उसके माँ का नाम जानता था। हीना लिच से पूछते कि वो उसके माँ का नाम कैसे जानता है। लिच बोलता है कि उसकी ना उसका बचपन का दोस्त था, और जब लिट ने पहली बार हीना को देखा था तब लिट ने नोटिस किया कि हीना का शक्ल काफी हद तक उसके माँ के जैसा ही है। और पहले पहले लिट को लगा कि ये शायद कोई कोइंसिडेंस है। लिट को उस समय लगा कि यह नामुमकिन है क्योंकि उसकी हीना भी एक इंसान ही थी जो कि 300 साल पहले थी। पर लिट ने जब हीना के पास उसका बैलोट देखा तब उसे यकीन हो गया कि हीना उसकी हीना का बेटी है, क्योंकि हीना के पास एक ओरिजिनल बैलोट था। लिट हीना से ये भी बोलता है कि अगर हीना ने सातों बैलेट को इकट्ठा कर लिया तो वो एल्थिंग से वोट करवा सकता है। एल थिंग्स के पास ऐसा पावर है जिसका इस्तेमाल करके कोई कुदरत के नियम को भी बदल सकता है। अभी फिलहाल ज्यादातर बैलेट SSC के पास है, और इन सब चीजों को अभी मेजर चेयरमैन कंट्रोल करते हैं। तभी हम मेजर चेयरमैन को देखते हैं। हम देखते हैं कि मेजर के पास अभी 3 बैलेट हैं। तभी उधर एक सोल्जर आ जाता है। उस सोल्जर मेजर को बोलते हैं कि उन लोगों ने उस औरत को ढूंढ लिया, और वो लोग अब उस औरत पर अच्छे से नजर रखेंगे। जिसके बाद वो मेजर से पूछते हैं कि मेजर उस औरत से उस बैलेट को छीन के ही नहीं लेता, क्योंकि 5 साल पहले किसी ने कुछ बैलेट चुरा लिए थे। मेजर इस सोल्जर को बोलता है कि वो लोग चिंता ना करें, क्योंकि सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। मेजर बोलते हैं कि अभी लिच को किसी की रक्षा करने की जरूरत है, और वो उसके लिए तलवार उठाएगा। जिसके बाद उनका पुराना ऐसा फ्लैशिंग स्ट्राइक उसके पास वापस आ जाएगा। इस तरफ लिच हीना से बोलता है कि तुस्किना ने हीना को एक लेजेंडरी एस को ढूंढने के लिए कहा था ना, पर लिच वो लेजेंडरी एस नहीं है जिसको तुस्किना ने हीना को ढूंढने के लिए कहा था। हीना लिच से पूछती है पर ऐसा क्यों। जिसके जवाब में लिच बोलता है कि क्या हीना को उसके पिता के बारे में कुछ भी पता है। हीना इसके जवाब में बोलती है कि उसके माँ ने एक बार कहा था कि उसके पिता बहुत समय पहले ही मर चुके थे। यह सुन के लिच बोलता है कि उसी ने हीना के पिता को मारा था। हीना को इस बात का यकीन नहीं होता, पर लिच बोलता है कि हीना पास्ट में उसके पिता से मिल चुका है। और तब हीना को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि उसके पिता कौन है। अब लिच हीना को बोलता है कि हीना के पिता का नाम है साकाई टोकीकाशी। तुस्किना टोकीकाशी का मंगेतर थी, और टोकीकाशी जिस बैलेट का इस्तेमाल करता था उसका नाम था हीना। हीना ये बात पहले से ही जानता था कि लिच ने ही टोकीकाशी को मारा था। इसका मतलब लिच ने जो भी कहा वो सच है। ये जानने के बाद हीना के आंख में आंसू आ जाता है। लिच हीना को बोलता है कि वो उसका हीरो नहीं है, बल्कि वो तो हीना का वो अपराधी है जिसने उसके पिता को मारा था, और इसीलिए हीना को उससे नफरत करना चाहिए। इस तरह हम लिन को देखते हैं जो कि बोल रही थी कि हीना सब कुछ संभाल लेगी, ये बोल के वो दारू पीने लगती है। तभी पीली इधर लिन को बोलता है कि कोई लिन को उसके कैरेक्टर की वजह से पसंद करता है, पर पीली देखता है कि हीना सो चुकी है और उसके साथ नाना भी सो चुकी है। तभी पीली को भी चक्कर आने लगता है। वो समझ जाता है कि ये सब कुछ उसी दारू की वजह से है क्योंकि लिन ने उन सभी को दिया था, पर वो भी बेहोश हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि हीना को भी चक्कर आने लगता है। लिच हीना को बोलते हैं कि हीना बिल्कुल अपनी माँ तुस्किना की जैसा ही दिखती है, और वो अब सभी सेना के साथ अकेले लड़ने जा रहा है, और अब हीना भी बेहोश होकर गिर जाती है। इधर लिच सबको उठा के सबके पास आ जाता है। लिच हीना को वहाँ पे रख के नाना के पास जाके उसको शुक्रिया बोलता है, क्योंकि नाना इतने समय तक लिच के साथ थी, और वो वहाँ से जाने लगता है। पर जेल उसका रास्ता रोक लेता है। वो लिच को बोलता है कि उसके पास विश्वास है, इसीलिए उसके ऊपर किसी भी तरीके का ड्रग्स काम नहीं करता। जे लिच को ये भी बोलता है कि लिच उसको एक अच्छा फेयरवेल दे सकता है। इस तरफ हम रॉयल कैपिटल में एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि SEC के किसी रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा था, और तभी उसके सर पर कोई गोली मार देता है, और ऐसे ही करके रॉयल कैपिटल में और 2 ऑफिसर को मार दिया जाता है। ये खबर सुप्रीम कमांडर के पास भी पहुँच जाता है। इसको सुन के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। एक लेडी ऑफिसर सुप्रीम कमांडर को बोलते हैं कि जो लोग मारे गए वो लोग SEC के ऊपर कोई चीज़ को लेकर शक कर रहे थे, यहाँ तक कि उनके जासूसी भी कर रहे थे। ये लेडी ऑफिसर सुप्रीम कमांडर को ये भी बोलते हैं कि SEC ने कहा कि अपराधी कौन है ये कोई भी नहीं जानता। सुप्रीम कमांडर बोलते हैं कि SEC कभी भी ये स्वीकार नहीं करेगा कि उन्होंने ही लोगों को मारा है। फिर ये लेडी ऑफिसर कमांडर को बोलते हैं तो फिर उन लोगों को जासूसी शुरू कर देना चाहिए। सुप्रीम कमांडर बोलते हैं कि SEC पर जासूसी करने वाले लोग पहले ही रहस्यमय तरीके से मर चुके हैं। वो ये भी बोलते हैं कि सेना को काबू किया जा रहा है। वो बोलते हैं कि खतरा बढ़ चुका है। फिर ये लेडी ऑफिसर बोलती है तो फिर वो सुप्रीम कमांडर की सिक्योरिटी को और भी बढ़ा रहे हैं, पर सुप्रीम कमांडर बोलते हैं कि अभी के लिए जो खतरे में है वो है रॉयल कैपिटल। कमांडर अपने मनीमन बोलते हैं तुम क्या सोच रहे हो कमांडर। जिसके बाद हम देखते हैं कि कमांडर के साथ और 4 ऑफिसर हैं, और ये लोग किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे।
कमांडर इन तीन ऑफिसर्स को बोलते हैं कि एसएससी चाहता है कि सभी ओरिजिनल बैलेट एसएससी को वापस कर दिया जाए, और कमांडर ने इन सभी को इसीलिए यहाँ पर बुलाया है ताकि वो सबका ओपिनियन जान पाए। ये ऑफिसर बोलता है कि उन लोगों को एसएससी की मांग पूरी कर देना चाहिए और उनको वो तीनों बैलेट वापस दे देना चाहिए। ये ऑफिसर ये सुनकर बोलते कि क्या वो लोग पागल हो गया है। कमांडर बोलते कि 300 साल पहले सभी बैलेट्स को इकट्ठा करके हेल्थिंग्स के भोज के सहारे उन लोगों ने एलसीए को बनाया। और फिर ये ऑफिसर बोलता है कि 5 साल पहले एसएससी ने एक बैलेट को खो दिया, इसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सुप्रीम कमांडर बोलते कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एलसीए को संभालना धीरे धीरे और भी ज्यादा मुश्किल होने लगेगा। इसका असर लिंगडन और उसके आसपास के शहर में शुरू हो चुका है। तभी ये लेडी ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि एसएससी को सारे बैलेट्स वापस दे देना सही रहेगा। ये ऑफिसर बोलते हैं कि सभी बैलेट्स को एसएससी को वापस दे देना सही आइडिया रहेगा। और फिर वो दूसरा ऑफिसर विरोध करता है, वो बोलता है कि वो ये नहीं मान सकता क्योंकि ये एसएससी की गलती है जिन्होंने एक बैलेट खो दिया, और उन लोगों को एसएससी से बाकी बैलेट्स की मांग करना चाहिए ताकि वो लोग अच्छे से वोट करवा पाए। ये सुन के ये लेडी ऑफिसर बोलती है अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो उनके और एसएससी के बीच में जंग शुरू हो जाएगा, जिसके जवाब में ये सोल्जर बोलता है कि एसएससी के सेना को उसका 3rd डिवीजन संभाल लेगा। पर ये ऑफिसर बोलते कि अगर उनके बीच में जंग शुरू हो गया तो उन सबकी सेना थक जाएंगे, जिसके बाद ये ऑफिसर बोलता है कि अगर उन लोगों को वो चुराया गया बैलेट नहीं मिला तो एलसीए धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और फिर एप्स से उनका युद्ध शुरू हो जाएगा, पर अगर सेना पहले से थका रहेगा तो वो लोग एप्स के साथ जंग नहीं कर पाएंगे। ये सुन के ये सोल्जर बोलता है कि ये दोनों ऑफिसर डरपोक है, जिससे इन लोगों के बीच में मतभेद हो जाता है। और अब ये तीनों एक दूसरे से लड़ने वाले होते हैं। कैप्टन तभी इन सभी को शांत हो जाने के लिए बोलते हैं। सभी लोग सुप्रीम कमांडर के बात को मान लेते हैं। कैप्टन इन सभी को बोलता है कि उन लोगों को राजा के फैसले के लिए पूछना चाहिए, पर ये सोल्जर बोलता है कि उन लोगों को राजा पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तभी कैप्टन बोलते कि उन सभी ने या तक कि उस सोल्जर ने भी ये शपथ लिया था वो लोग राजा के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। फिर वो बोलते कि वो इस बारे में खुद किंग से पूछने वाले हैं, जिसके बाद हम लेफ्टिनेंट जेल और लिच को देखते हैं। जेल लिच से पूछता है कि वो ओरिजिनल बैरक्स को लेके क्या करने वाला है। जेल बोलता कि वो दोस्त नहीं बनाता और वो लिच से दोस्ती रखने का कोई भी इरादा नहीं रखता। फिर वो लिच को बोलते कि क्या लिच फिर से अपने दोस्तों को पीछे छोड़ देगा जैसे उसने क्लास वाने के साथ किया था। लिच बोलता है कि वो ऐसा करना तो नहीं चाहता, पर उसे ये करना पड़ता है क्योंकि जो भी उसके साथ रहता है वो उसके साथ लड़ाई में जुड़ जाता है, और लड़ाई के मैदान पे उसके साथ रहने का मतलब है उस आदमी का मौत, और इससे भी ऊपर है कि उसको लड़ाई के मैदान पर किसी को मारना होगा जिससे वो एक हत्यारा बन जाएगा, और लिच कभी भी इसकी अनुमति नहीं दे सकता। ये सुन के जेल बोलता है एक आदमी जो नहीं मारता, मैंने वादा किया था लेकिन मैं वो वादा कभी भी निभा नहीं पाया, इसलिए मुझे ये सब चीजें करना चाहिए, उस दर्द को महसूस करना चाहिए। मुझे मालूम है हमारे वापस आने के बाद उधर क्या हुआ था। बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि पीछे छूट गए लोग इसके बारे में कोई भी फीलिंग नहीं रखते? क्या उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता? क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें राहत मिली, कि उनके हाथों पर कोई भी खून नहीं लगा, ये जानते हुए कि तुम्हारे अकेले के हाथ गंद हो जाएंगे? अगर तुम टूटना चाहते हो तो वो तुम्हारी पसंद है, लेकिन तुम ये क्यों नहीं देख सकते कि तुम उनको दुख पहुंचा रहे हो जिनको तुमने पीछे छोड़ दिया था, या फिर जिनको तुम पीछे छोड़ रहे हो? क्लास आई के सभी स्टूडेंट्स, जो भी पाप तुम करते हो वो पूरे क्लास वाने के दिलों में रह जाता है हर बार जब तुम किसी को भी मारते थे। ये असल में मारने से तो बेहतर ही है, उनका गंदाना कभी भी बंद नहीं हुआ चाहे मैं कितने भी बार उसे धो लूं। मैं ही अकेला हूँ जिसे इस दर्द को महसूस करना चाहिए, यही है जो मैं उनके साथ अपने वादे को निभाने के लिए कर सकता हूँ। सबका कमांडर होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है, अगर मैं एक दुश्मन को मारता हूँ तो उनको उस एक दुश्मन को मारना नहीं पड़ेगा, अगर मैंने सारे दुश्मनों को मार दिया तो किसी को भी हत्या करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम बेवकूफ, अपने आप को एक श्राप की तरह बार बार दोहरा रहे हो, ये सिर्फ एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के अलावा और कुछ भी नहीं है। खुद को बार बार मारने के बाद तुम्हें क्या मिलता है? मैंने क्लास ए के उन मुस्कानों को मार दिया और टीचर्स को कुर्बान कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम पूरी सेना के साथ हमारे साथ तुम अकेले ही लड़ सकते हो? मैं हर किसी को मार दूंगा जो मेरे रास्ते में आएगा। अब लिच वहां से जाते हुए जेल को बोलता है, सुनो जेल, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हिना और बाकी सब का ख्याल रखना। तुम खुद ही रख लो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये बोल के लिच वहां से चला जाता है। जाते जाते वो सभी को शुक्रिया बोलता है, और फिर लिच अपने मन ही मन बोलता है अच्छा होता अगर वो हिना के फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर पाता, कि वो सच में हिना के फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहता है, पर उसने जो किया है इसलिए वैसा पॉसिबल नहीं है। तभी हम मेजर शेरमन को देखते हैं बहुत सारे एसएससी के मेंबर्स के साथ।
एक सोल्जर मेजर को बोलते हैं कि लिट रॉयल कैपिटल की तरफ बढ़ रहा है। वो मेजर से ये भी पूछते हैं कि क्या वो लोग लिट को रोक दे, पर मेजर इस बात के लिए मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि और कोई इस काम को करेगा, क्योंकि वो लिट से काफी समय से मिलना चाहता है। इस तरफ अगली सुबह सब लोग लिट और जेल को ढूंढ रहे थे। नाना हिना से पूछती है कि लिट ने आखिरी बात क्या बोला था। हिना बोलती है कि लिट ने कहा था कि वो पूरे सेना से अकेले लड़ने जा रहा है। पीली को जेल का एक लेटर मिलता है जहाँ पर जेल ने लिखा था कि वो रॉयल कैपिटल जा रहा है। सभी लोग घोड़े पर बैठ कर कहीं पर जा रहे होते हैं। पीली बोलता है कि अगर लिट सभी आर्मी से अकेले लड़ने जा रहा है तो वो जरूर रॉयल कैपिटल की ओर गया होगा, और वो लोग तब वहाँ पर जाने लगते हैं। जिसके बाद हम लिट को देखते हैं जो कि अकेले एक जगह पर खड़ा हुआ है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके ऊपर कोई हमला करने वाला होता है, और अचानक उसके ऊपर एक जोरदार हमला होता है। इस हमले से लिट हिल भी नहीं पाता। अभी हम देखते हैं कि लिट पर हमला और किसी ने नहीं, डोन ने किया था। डोन बोलता है कि उसके पास ग्रेविटी का पावर है और लिट का फ्लैशिंग स्ट्राइक यहाँ पर काम नहीं आने वाला। फिर वो लिट को बोलते हैं कि वो लिट का जानी दुश्मन है और लिट ने बहुत कुछ कर लिया, और अब समय आ चुका है कि लिट हमेशा के लिए सो जाए। जिसके बाद वो काफी सारे पत्थरों को लिट के ऊपर गिराने वाला होता है। लिट अपने जगह से हिल नहीं पाता, जिसकी वजह से वो सभी पत्थर लिट के ऊपर गिर जाता है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यही था प्लंडर के एपिसोड 20 की पूरी कहानी। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फाइनली आज के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को यही एंड करते हैं। अरा अरा सायोनारा।